अल्लाह के नाम पे दे दे बेटी, नहीं देना हमें कुछ, हटो यहाँ से। बेटी मुझे ओफो, ये कहाँ से आ गई? छी, हमने कहा ना हटे, गाड़ी को हाथ मत लगाओ हमारी, शीशा मत गंदा करो, नई गाड़ी है हमारी, हटिए यहाँ से। हमने कहा ना हटो यहाँ से, पुलिस को बुलाए हम, नहीं देना हमें, हटो यहाँ से, गाड़ी से हाथ हटाओ, शीशा मत गंदा करो हमारा। ओ माय गॉड, क्या हुआ? मैंक, मैं उस सिग्नल क्रॉस करके तुम्हारा वेट करती हूँ। सिग्नल क्रॉस करके क्यों, क्या, अरे कहाँ जा रही हो? पीछे तो देखो, पीछे क्या है? पीछे देखो तो सही, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बाइक है ना, ये खराब हो गई है। खराब हो गई है? बहुत, एक्चुअली बहुत पुरानी हो गई है ना, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं गैरेज लेके जा रहा हूँ इसे ठीक कराने के लिए। घर जाने में टाइम है। ठीक है। मयंक जी, वो मयंक जी, वो हम मेरे होने वाले पति। अरे ओ लैला मजनू, इश्क जादे, अरे इश्क विश करना है तो कोई पार्क वार्क में जाओ भाई, यहाँ रास्ते में क्यों? अरे भाई करने दो, इसको मुस्क जगह नहीं देखते। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये दुनिया वाले ना हम प्यार के पंछी को आराम से जीने ही नहीं देंगे। चलिए हम कोने में चलते हैं। अरे चारू, अरे चारू, चारू, चारू कहाँ जा रही हो तुम? चलिए ना। अरे चारू रुको, तुम कहाँ जा रही हो? बैग किसी का होगा, अब यहाँ पे बॉम्ब कहाँ से आएगा? चलो ना चारू, बाइक बीच में खड़ी है, जल्दी चलो। जरा गाड़ी साइड में लेना, ये आजकल के जमाने के बच्चे भी ना हर चीज में जल्दी रहती है इनको। आप देखिए तो सही, कोई चीज है वहाँ पे, कुछ तो है। अरे कुछ नहीं है चारू। मयंक जी अब ये क्या कर रहे हैं? Nothing, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा तो ठीक है, हम मम्मी के साथ जाते हैं, आप जल्दी से बाइक गैरेज में देके आ जाइएगा। हाँ मैं आता हूँ, तुम चलो। आपका हेलमेट। हाँ थैंक यू, बाय। अजीब हो, वहां से चली क्यों गई? और क्या करती? What if she saw us? देख लेती तो अच्छा ही होता ना। रहने दो मयंक, मैं कौन होती हूँ किसी का दिल तोड़ने वाली? वो तुम्हें अपना पति मानती है, she's in love with you. तुम कब तक उसे गलत फहमी में रखोगे? या फिर मुझे, तुमने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या हुआ? मैं क्या करूँ, मुझे माने आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया, और तुमने देखा अभी वो सिग्नल पे खड़े होके बीच रोड में क्या गुल खिला रही थी। वो क्या कर रही थी उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओहो, ओके।
तो मैडम ने उसे मुझे जबरदस्ती किस करते हुए देख लिया। ये मजाक नहीं है मयंक, मुझे ऐसे छुप छुप कर मिलना अच्छा नहीं लगता है। ये सबके साथ तो धोखा है ही, अपने साथ भी धोखा है मयंक। अगर अगर कुछ नहीं हो सकता ना, देन जस्ट लेट इट बी, हम नहीं मिलेंगे आज के बाद। आज के बाद नहीं मिलेंगे, मतलब ये क्या बकवास है गुंजन? बकवास नहीं, हकीकत है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। गुंजन, ओके फाइन, जस्ट 3 days, मुझे सिर्फ 3 दिन दो, मैं सब ठीक कर दूँ। एंड आई मीन इट, ट्रस्ट मी। रचना की हॉकी प्रैक्टिस खत्म हो गई होगी, तुम मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे? यस मैडम, लेट्स गो। ये गुंजन कहाँ चली गई? वो देखो आ गई। गुंजन कहाँ चली गई थी तुम? हम बार बार तुम्हें ढूंढ रहे थे। आज का हॉकी प्रैक्टिस एकदम खराब गया, फील्ड पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था हमसे। बस सोच लिया था कि आज लास्ट डे हमारे हॉकी प्रैक्टिस का। वाह, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है। पता नहीं गुंजन हमें क्या हो गया था, हम एकदम से रो पड़े। लेकिन हमने अभी सोच लिया है कि आज के बाद हम कभी नहीं रोएंगे। अरे ये हुई ना बात। हाँ? लेकिन गुंजन तुम कहाँ चली गई थी? मैं लाइब्रेरी गई थी, वो एक बुक इशू करानी थी। अच्छा, लाइब्रेरी में गई थी? हम भी तो वहीं थे, तुम दिखी नहीं। मतलब हाँ, मैंने तुम्हें देखा था, जब तुम गेट के बाहर जा रही थी ना, तब मैं गेट के अंदर आ रही थी। मतलब मैंने तुम्हें वहां देखा था। अब एनीवेज चलो, अब हम चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अरे लेकिन छाया, तुम ऐसे कैसे चली जाओगी, और वो भी जींस में? चेंज नहीं करना है? नहीं, हम अपनी दोस्त श्रुति के यहाँ जा रहे हैं, वहीं जाके चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब चलो, अब हम चलते हैं। बाय। ऑटो ऑटो, चल लेट्स गो। नमस्ते ताई जी। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। ताई जी देखिए, हम मयंक जी के लिए क्या लेकर आए। तो चाबी दिखाई दे रही है। करेक्ट, चाबी, लेकिन एक कार की चाबी है जो हम मयंक जी के लिए लेकर आए हैं। चलिए चलिए चलिए। हेलो रचना, हेलो गुंजन, ये देखो हम मयंक जी के लिए स्पेशली क्या लेकर आए। यहाँ गाड़ी हाजिर? जी आप गाड़ी ले आए, इसकी क्या जरूरत थी? अब हमारे लिए तो लड़की ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। वो सब छोड़िए समधन जी, पहले आप गाड़ी में बैठिए तो सही। अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए गाड़ी में बैठने की। वैसे ये रहे हमारे पंडित जी। जी नमस्ते।
जी 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 नमस्ते नमस्ते। हमने सोचा कि अब गाड़ी तो आ ही गई है तो क्यों ना आप तक पहुंचा दी जाए। अब चारू के पापा तो चाहते थे कि इससे भी बड़ी गाड़ी दी जाए, लेकिन वो क्या है ना कि बेसब्री से वो अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहे हैं बस, कि कब हमारी बेटी की शादी हो और वो अपनी बेटी और दामाद पर बस तोहफों की बारिश कर दे। आज पंडित जी भी हैं तो क्यों ना सारी बात तय हो जाए। दरअसल बात यह है कि हम अभी तक आपस में बैठकर तारीख तय नहीं कर पाए। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अब जब चाची जी आ ही गई हैं, पंडित जी भी हैं और हम सब भी यहीं हैं, तो क्यों ना तारीख तय कर ले, है ना? तारीख तक तो बात ठीक है, लेकिन ये गाड़ी ये सब क्या है? तुम तो इन्हें जानती हो ना, अगर इन्हें पता चल गया तो ये कितना बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे और हमें लगता है कि प्रभु को भी ये सब कुछ पसंद नहीं आएगा। दीदी हम क्या कह सकते हैं इसमें, वो उन्होंने देखो ना, हमने तो ना ही उनसे कुछ कहा और ना ही कुछ मांगा, ले आए तो क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा ठीक है। आप सुनिए, आप सब यहाँ खड़े रहकर बात क्यों कर रहे हैं, आइए ना अंदर आइए। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, अब जब नई कार आ ही गई है तो लगे हाथ पूजा भी कर लेते हैं जी पंडित जी। हाँ क्यों नहीं। ओ नई कार, ए दोनों पीछे हटो, हाथ मत लगाओ, ये हमारी और मयंक जी की कार है। कॉलेज में नोटिस नहीं पढ़ा था क्या? कौन सा नोटिस? अरे वही जिस पे लिखा था कि जींस पहनना हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, और फिर भी तुमने पहनी। अरे हीरोइन बनने का बहुत शौक है क्या? देवी जी बनारस है, कोनो विदेश नहीं, जो ऐसी पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहन के आप खुलेआम घूमेंगे। बात सभ्यता की नहीं अपनी मर्जी की है, आजाद देश में रहते जिसका जो मन आए पहन सकता है। क्या कहा? सब कुछ पहन सकते हैं। अब देना भाषण, अब क्यों नहीं बोलती है? बोल। बहुत आजादी चाहिए ना तुम्हें, नोटिस बोर्ड पे जो लिखा था वो पढ़ा कि नहीं? तुम्हारी हुकूमत चलेगी यहाँ पे। अच्छा बाबा हमसे गलती हो गई, अब से हम जींस नहीं पहनेंगे, लेकिन अभी हमें जाने दीजिए। सॉरी कहिए और साष्टांग प्रणाम कीजिए सबको। कहा ना सॉरी। पकड़ पकड़ चल।
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रवाह निर्विघ्न कुरेम देव सर्वकार सदा सर्व मंगल मांगले सरस्वती शास्त्रे शरणतम्बे गौरी नारायण नमस्ते। गाड़ी चारू लेकर आए और साथ में पंडित जी भी आए हमारी शादी की डेट फिक्स करने। कंग्रेचुलेशंस मैम। मयंक जी आंखें बंद कीजिए, कीजिए ना। सरप्राइज देके आप पागल हो जाएंगे। क्या कार ना? किसने बताया आपको? इस गुंजन ने ना। मयंक खड़े क्यों हो? ये लो नारियल तोड़ो, श्री गणेश करो। कार आई है कार। ले दीजिए, अभी फोड़ देता हूँ। एक सेकेंड। वाह कितना मीठा नारियल है। अरे माँ इसकी चटनी जरूर बनाना, हाँ और साथ में चीले भी। अरे अरे दामाद जी ये क्या, आपने तो पूजा का नारियल झूठा कर दिया। पूजा? किस बात की पूजा? नॉटी कहीं के। ये कार आपके लिए गिफ्ट है ना, तो आप इसकी पूजा नहीं करेंगे? गिफ्ट? I'm sorry, लेकिन मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। इसमें इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमें अपने अपने होने वाले दामाद को इतना खुददार और कम से कम इतना लायक समझिए कि ये सब चीजें वो खुद जुटा ले। सासू माँ और चारू, अब क्या है कि शादी के दिन नजदीक आ गए, तो बेहतर होगा कि आप मुझसे और मेरी फैमिली के तौर तरीके से जरा फैमिलियर हो जाएं। पंडित जी से कहिए कि 3 दिन बाद आए शादी की डेट्स फिक्स करने के लिए, और तब तक चारू मुझे अपने 3 दिन दे, मुझे मेरी दुनिया मेरे तौर तरीकों को जानने के लिए। और
परमिशन मिलेगी सासू माँ? लेकिन दामाद जी, 3 दिनों में कोई किसी को कैसे समझ सकता है, और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। मम्मी, 3 दिन की तो बात है, प्लीज हाँ कह दीजिए।